पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माफियाओं के लिए ये ईद अब तक की सबसे बुरी ईद साबित हो रही है। कभी जेल में भी ईद पार्टी करने वाले ना आज बकरे की कुर्बानी दे पाए हैं और ना ही बिरयानी का लुत्फ उठा पाए हैं। सालों तक न जाने कितने ही लोगों की ईद और दिवाली को मातम में बदलने वाले ये माफिया आज योगी राज में रो रहे होंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवार का है। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है। पिछले कुछ समय से उसने जेल में लोगों से बात करना भी बंद कर दिया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इस माफिया को जेल के अंदर रहने के बावजूद किसी राजा से कम ट्रीट नहीं किया जाता था। किसी के कत्ल के बाद कोर्ट ने बेशक सजा दे दी हो, लेकिन जेल भी इस माफिया के लिए किसी महल से कम नहीं होती थी। बताया जाता है कि ईद के दिन जेल में ही मुख्तार जश्न मनाता था, जेल में ही डॉन बकरे की कुर्बानी देता था। बिरयानी हो या मटन कीमा, हर तरह की डिश मुख्तार के लिए परोसी जाती थी। सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, बल्कि इसे ना जाने कितने ही चाहने वाले जेल में इसे ईद की बधाई देने आते थे। मुख्तार के लोगों के लिए ईद के दिन जेल के दरवाजे भी खुले होते थे। ये सुविधा उस अपराधी के लिए था जो हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, लूटपाट जैसे न जाने कितने ही मामलों का आरोपी था। ईद के दिन पूरे जेल कर्मियों को पार्टी दी जाती थी। लेकिन अब तस्वीर एकदम बदली हुई है। अब न तो जेल में बकरा है और ना ही बिरयानी। जेल की रोटियां ही अब मुख्तार के नसीब में है। चाहने वाले तो छोड़िए, माफिया अपने परिवार से भी नहीं मिल सकता है। बेटे अब्बास अंसारी का भी यही हाल है। बेटा अलग जेल में बंद है, बहू अलग जेल में और पत्नी फरार है। उत्तर प्रदेश के एक और बड़े माफिया अतीक अहमद के परिवार का हाल तो इससे भी खराब है। अतीक और उसका भाई अशरफ तो नहीं रहा। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी पूरी तरह से बिखर चुका है। पत्नी शाइस्ता परवीन दर दर छुपती फिर रही है, पुलिस से खुद को बचा रही है। बेटे जेल में बंद है। अशरफ की पत्नी का भी कुछ पता नहीं। कभी अतीक के परिवार में धूमधाम से ईद मनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज माफियाओं का ये परिवार त्योहार मनाने के लिए तरस रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।